हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई थिंक आप लोग अच्छे हो गए। तो निधि ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज है नहाए खाए की रात में ही मैं इंट्रो वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि कल खरना है और खरना में मुझे ज़रा सा भी टाइम नहीं मिल पाएगा कि मैं इंट्रो वीडियो शूट कर पाऊँ। इसलिए मैंने सोचा एक दिन पहले ही कर लेती हूँ, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा काम रहता है। तो चलिए, मैं आप लोगों का ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं मिलती हूँ। जब मैं प्रसाद बना लूँगी तब मैं शूट करूँगी। तो चलिए, तो सुबह हो गई है और हम लोग प्रसाद बनाने के लिए आ चुके हैं। और अभी मैं दाल धो रही हूँ और मम्मी इधर चावल, ये दाल का पानी चढ़ाई हैं। और उसके बाद इधर चावल का भी पानी चढ़ चुका है, तो मम्मी चावल डाल रही थी अकेले, क्योंकि मेरे से लगता नहीं। तो मैंने पकड़ा था कठौती और मम्मी उसमें चावल डाल रही हैं, एक तरफ दाल एक तरफ चावल। और फिर थोड़ी देर में रोटी बनेगा। और तो देखिए, मेरा आधा से ज़्यादा चावल सीज चुका है और ये अरवा चावल रहता है तो थोड़ा जल्दी सीज जाता है, चढ़ाने के बाद तुरंत ही हो जाता है, ज़्यादा इसको सिझाना नहीं पड़ता। देखिए, ये हो चुका है चावल और ये मतलब कि उतारते हुए उतारते इतना भर कर गिर गया। देखिए कितना सारा चावल ये गिर चुका है, ज़्यादा भर गया था। और ये जो काम करती हैं मेरे घर में वो आंटी, वो गार रही हैं इसका जो होता है चावल का पानी, वो निकाल रही हैं चावल का जूस निकाल रही हैं। और फिर यहाँ पे देखिए, मेरी मम्मी रोटी के लिए आटा लगा रही हैं। इतनी सारी रोटियाँ बनेंगी प्रसाद में, क्योंकि हमारे यहाँ शुरू से ही लगा हुआ है चावल दाल और रोटी पीठा का प्रसाद रहता है। तो ये तो यहाँ पे देखिए, मैं रोटी बनाने लगी हूँ। और पता है ये जो खाना का प्रसाद जो लोग बना रहे हैं, सारे लोग फास्टिंग में रहते हैं, सारे लोग फास्टिंग में हैं। रिटू पता नहीं खाया है कि नहीं, दही चूड़ा खाया है रिटू? तो मैं बाकी सब कुछ बनकर रेडी हो चुका है और ये आंटी भी फास्टिंग में है तो आई हैं थोड़ी देर बाद, पूजा पाठ कर आई हैं, लेट हो गया इनको। और ये आटा गुथा रहा है पिट्ठा के लिए। हम लोगों के यहाँ पिट्ठा बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ पता नहीं इसे क्या बोलते हैं, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि इसे क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो आप लोग, पिट्ठा हम लोग बनाने लगे हैं। इसे उबलता हुआ पानी में गोल गोल कर चावल का ये बनता है, गोल गोल कर डालना रहता है और वही बन रहा है। बस ये लास्ट है, उसके बाद सारा कुछ हमारा प्रसाद बनकर रेडी हो चुका है। ये आंटी कितने स्पीड में कर रही थी, देखिए जल्दी 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 कर रही थी। तो प्रसाद यहाँ पे बनकर रेडी हो चुका है और मैं प्रसाद निकालने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे इसको नेवज लगाना बोलते हैं हम लोगों के यहाँ, तो इसमें टीका, सिंदूर का टीका लगाया जाता है। इसके बाद प्रसाद निकालने के बाद मम्मी पूजा पे बैठेंगी, फिर खरना करेंगी मम्मी, उसके बाद फिर हम लोग प्रसाद खाएँगे सारे लोग मिल कर। और कुछ लोग बाहर से खाने के लिए आएंगे, उन लोगों को खिलाऊँगी। उसके बाद फिर लास्ट में काम गा मौला जे देना ना
इससे करो ना तुम पाला वीडियो बना कैसे वीडियो बना दिया हूँ माधुरी टू हाँ क्या हुआ क्या हुआ किको ऐसे नहीं करो वहीं पे प्रणाम कीजिए वहीं पे प्रणाम कीजिए तेरा प्रणाम नहीं सब निकलेंगे सब निकलेंगे सब निकलेंगे इधर आ इधर आ इधर बस अच्छा ये उछलेगा अरे फसल आ जाएगा है नीचे गलत नीचे ऐसे उतरे बहुत लफड़ा हाँ ऊपर है नहीं चालू नहीं जी सितारा ऊपर ऊपर